फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे नोटिस और आर्डर किए जा रहे हैं और जो नोटिस दिए जा रहे हैं यानी सो काज नोटिस जो दिए जा रहे हैं उनमें हमें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है और उसके संबंध में आर्डर भी पास कर दिए जा रहे हैं और आर्डर्स में भी पूरा मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उसी के संबंध में हाई कोर्ट ने एक आदेश किया है जो बहुत ही इसके संबंध में रिलेवेंट है और हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उन चीजों को देखें और समझें। तो आइए देखते हैं कि जो हाई कोर्ट ने इसके संबंध में डिसीजन दिया है वो क्या है। द सो कॉल्ड नोटिस इज बेयर फिट ऑन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स एंड द डिटेल्स इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू सच अ वेक सो कॉल्ड नोटिस। Probably what the authority is trying to convey is that the registration had been merely on paper and no actual business activities count. तो जो भी सो कॉल्ड नोटिस दिए जा रहे हैं उनमें प्रॉपर मटेरियल नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से ये चीज नहीं दी जा रही है कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है, जो डिटेल्स हमें उनको प्रोवाइड करानी है वो हमें नहीं मिल पाती है और प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई नहीं दिया जा पाता है। तो इसके संबंध में आगे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। यानी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन हैड बीन मेयरली ऑन पेपर एंड नो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज फाउंड ऑन द प्लेस ऑफ बिजनेस। एज द रिट एप्लीकेंट अ रजिस्टर्ड पर्सन वॉज नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रिट एप्लीकेंट इफ सच आर द एलिगेशंस इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द अथॉरिटी टू फर्निश सम डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। तो इसके संबंध में अभी हम लोग नोटिस भी देखेंगे जो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो उनको सो कॉल्ड नोटिस देनी थी उसमें क्या क्या मटेरियल हमें देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया और उसके संबंध में उन्होंने आर्डर भी पास कर दिया, तो उसके संबंध में आगे नोटिस भी देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, द इम्प्यून सो कॉल्ड नोटिस हैज टू बी क्वेस्ट एंड सेट असाइड एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली क्वेस्ट एंड सेट असाइड इफ द असिस्टेंट कमिश्नर इज ऑफ द व्यू दैट द रिट एप्लीकेंट हियर इन हैड ऑब्टेंड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड विद द मिस स्टेटमेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इट शैल बी ओपन फॉर हिम टू इश्यू अ फ्रेश सो कॉल्ड नोटिस इन अ फिजिकल फॉर्म एंड सच फ्रेश सो कॉल्ड शैल कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू द सेम। तो इन्होंने ये चीज कही और इसके साथ साथ अब हम लोग ये नोटिस देख ले रहे हैं जो नोटिस इन्होंने जारी किया था। ये इसमें इन्होंने दिया सो कॉल्ड नोट्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें दिया वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज कम टू माई नोटिस इट अपीयर्स दैट योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी सो कॉल्ड नोटिस में ये कह रहे हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर यह प्रतीत होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन मिली है, कहां से मिली है, उसका सोर्स क्या है, उसका बेस क्या है, वो सारी चीजें यहां पर नहीं दी जा रही हैं। केवल और केवल कितना कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है एज पर नेगेटिव स्पॉट विजिट रिपोर्ट सबमिटेड बाई एस टी आई एंड अटैच पंचनामा रिगार्डिंग स्पॉट विजिट You are hereby directed to furnish a reply to the notice within seven working days from the date of service of the notice. तो यहाँ पर इन्होंने केवल ये दिखाया कि आपका स्पॉट विजिट किया गया जो कि निगेटिव है और जो पंचनामा रिकॉर्डिंग है उसको विजिट किया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिया गया स्पष्ट रूप से कि हमें रिप्लाई करना क्या है, उनको वहां पर कमी मिली क्या है। तो वो चीजें सारी उनको सो कॉल्ड नोटिस में कोट करनी चाहिए थी और उसका सोर्स भी बताना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। आगे ये क्या कहते हैं, इफ यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड डेट और फेल्स टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम द केस विल डायरेक्ट डिसाइडेड एक्स पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड ऑन मेरिट्स। तो यहां पर उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप टाइम से नहीं देते हो तो मेरिट पर डिसाइड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके संबंध में हाई कोर्ट ने क्या कहा वो देखते हैं। द सो कॉल्ड नोटिस इज बेस्ड ऑन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स एंड द डिटेल्स
इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू सच अ वेग सो काज नोटिस। क्या कहा है कि इतना अस्पष्ट नोटिस है जो स्पष्ट रूप से चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ऐसे अस्पष्ट नोटिस का रिप्लाई इंडिविजुअल के द्वारा करना बहुत ही कठिन है। प्रोबेबली व्हाट द अथॉरिटी इज ट्राइंग टू कन्वे इज दैट द रजिस्ट्रेशन हैड बीन मेयरली ऑन पेपर एंड नो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी इज फाउंड ऑन द प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये बिजनेस केवल पेपर पर है और एक्चुअली वहां पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं की जा रही है। एज द रिट एप्लीकेंट रजिस्टर्ड पर्सन वॉज नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रिट एप्लीकेंट इफ सच आर द एलिगेशंस इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द अथॉरिटी टू फर्निश सम डिटेल्स इन दिस रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अथॉरिटी से ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में डिटेल जरूर प्रोवाइड कराएं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। द इम्प्यूम सो का नोटिस हैज टू बी क्वेस्ट एंड सेट असाइड एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली क्वेस्ट एंड सेट असाइड इफ द असिस्टेंट कमिश्नर घटक 7 अहमदाबाद रेंज 2 डिवीजन 1 गुजरात इज ऑफ द व्यू दैट द रिट एप्लीकेंट हियर इन हैड ऑब्टेन्ड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड विद द मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इट शैल बी ओपन फॉर हिम टू इश्यू अ फ्रेश सो का नोटिस इन अ फिजिकल फॉर्म एंड सच फ्रेश सो का शैल कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू द सेम। यानी अगर हम इसको समरी में देखें, यानी बहुत संक्षेप में इस बात को कहना चाहें, तो इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो सो काज नोटिस एंड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर वर सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड इंडिकेटेड नॉट एप्लीकेशन ऑफ माइन सेम वर्ड टू बी क्वेस्ट। यानी जो भी सो काज नोटिस दी जा रही है उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, उसमें जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है, केवल सिस्टम जनरेटेड है। यानी एक बार उस फॉर्मेट ऐसा बना लिया गया और उसके आधार पर नोटिस दी जा रही है तो वो नोटिस क्वेस्ट की जाएगी। हाई कोर्ट क्वेस्ट वेग एससीएम फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया था उसको हाई कोर्ट ने क्वेस्ट कर दिया है उस शो का नोटिस को। तो इस तरह से डिपार्टमेंट को जो भी नोटिस देनी है उसमें प्रॉपर मटेरियल देना पड़ेगा और उसमें एप्लीकेशन माइंड ऑफ भी होना चाहिए, अन्यथा वो नोटिस क्वेस्ट हो जाएगी। थैंक यू।